दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया महिला टीम के खिलाफ आज T20 मुकाबले में भारतीय महिला टीम की तरफ से सबसे दो खतरनाक खिलाड़ी स्मृति मंदाना और साथ ही साथ शेफाली वर्मा ने ऐसी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करी ना कि देखकर हर कोई चौंक गया। ऐसे सीरीज के पहले मुकाबले को इन दोनों खिलाड़ियों ने अपने दम पर अकेले ही जिता दिया। इनकी बल्लेबाजी की हाइलाइट्स का पूरा वीडियो आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी का क्या मानना है? शेफाली वर्मा, स्मृति मंदाना साथ ही हरमनप्रीत कौर में आपकी फेवरेट कौन है? नीचे कमेंट करके बताना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। दोस्तों, मैदान में आकर रोहित धोनी की तरह बल्लेबाजी करते हुए ना आज स्मृति मंदाना और शेफाली वर्मा ने पूरी दुनिया के सामने ऐसी बल्लेबाजी कर डाली है कि देखकर ऑस्ट्रेलिया की टीम की हवाइयां उड़ गई थी। आपको बता दें कि भारत और ऑस्ट्रेलिया महिला टीम के बीच में आज से मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में 3 मैचों की T20 सीरीज शुरू हो चुकी है। इसके पहले ही मैच में भारतीय क्रिकेट टीम की जबरदस्त गेंदबाजी के आगे 141 रन बने और इसे चेस कर दिया केवल हमारी दो खिलाड़ियों ने, जिसमें दोस्तों स्मृति मंदाना ने जहां 52 गेंदों के अंदर 7 चौके 1 छक्का लगाकर 54 रन बनाए, तो शेफाली वर्मा ने भी 44 गेंदों में 6 चौके 3 छक्का लगाकर 64 रन की नाबाद पारी खेली। और दोस्तों, जब पारियां ऐसी होना तो जीत ज्यादा दूर रहती नहीं। आपको बता दें कि जहां ऑस्ट्रेलिया की टीम को हमने 20वें ओवर में ही ऑल आउट कर दिया था, तो वहीं हमने इस मैच को 18वें ओवर की 4थी गेंद पर जीता। और यहां पर सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि इस बीच स्मृति मंदाना का स्ट्राइक रेट 103 का था, तो शेफाली वर्मा का तो 150 से भी ऊपर था। भारतीय क्रिकेट टीम की जीत की तारीफ पूरी दुनिया में हो रही है और सीरीज के पहले मुकाबले में उनकी जीत को आप 10 में से कितने नंबर देंगे, साथ ही इनकी बैटिंग को भी नीचे कमेंट करके बताइएगा और सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।